हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स में हम देखने वाले हैं वर्कबुक में, जहाँ पे हम आए हैं क्वेश्चन 23, पेज नंबर 30। पुट राउंड अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वायर अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर गिवन बिलो। नीचे जो नंबर दिए इसमें जो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा, सबसे छोटा होता है, इसके ऊपर सर्कल करने का है, एंड ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, उसके ऊपर स्क्वायर करने का है। तो नीचे दिए 189, 207, 94, 903, 876, 401। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 189 है, वो सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर अथवा विवाह देंगे। ये सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो ये 903 है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, 243, 790, 156, 900, 534। इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 156। तो हमको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 900 का। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वैसे ही आपको नीचे चेक करने का है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको सर्कल और स्क्वायर कर देने का है। ओके, नेक्स्ट ये राइट द जस्ट प्रेसेंडिंग नंबर। तो आपको प्रेसेंडिंग नंबर लिखने का है, तो इसके आगे वाला नंबर लिखना है, इसके पीछे वाला यानी कि जो चला गया है वो। तो 380 है, तो कौन सा आएगा? 379 आएगा। फिर 500 है, तो कौन सा नंबर आएगा? 499 आएगा। तब 499 आएगा, तब 500 आएगा। नेक्स्ट है 675 है, तो प्रेसेंडिंग नंबर कौन सा होगा? 674 होगा। तो ऐसे ही आप काम करना, आप सारे प्रेसेंडिंग नंबर लिख देना। राइट द जस्ट सक्सेडिंग नंबर। सक्सेडिंग नंबर यानी कि इसके पीछे वाले जो नंबर है वो लिखने के। तो 480 है, तो 481 आएगा। 275 है, तो 276 आएगा। ओके, वैसे ही आप पीछे वाले नंबर लिख देना। नेक्स्ट राइट द मिडल नंबर। आपको मिडल नंबर लिखने का है यानी कि बीच वाला नंबर लिखने का है। तो 249 और 251 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो 250 नंबर आएगा। 604, 606, तो 605 आएगा। 604, 605, 606। ओके, ऐसे ही आप मिडल नंबर सब में लिख देना। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने का है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, तो सबसे जो छोटा नंबर होता है वो आपको लिखने का है। तो इसमें आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई देता है? तो सबसे छोटा मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है, 378। फिर 378 से बड़ा कौन सा है? तो 673 है। तो 673 है। फिर 673 से बड़ा कौन सा है? तो 687। 687 के बाद का नंबर से बड़ा कौन सा है? तो 738 है। इससे बड़ा कौन सा है? 873। ओके, फिर से दूसरा देखते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 260। इससे बड़ा कौन सा है? 406। फिर 602 एंड 620। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आता है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा होता जाता है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता आता है। तो आप खुद कर लेना। ओके, राइट दी नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा लास्ट में आएगा। तो सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट नंबर हमें ढूंढना है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 541 है। तो 541 है। फिर इससे छोटा कौन सा नंबर है? 540। फिर इससे छोटा कौन सा नंबर है? 500। इससे छोटा कौन है?
वन, फिर इससे छोटा कौन है 415। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर पहले आया और सबसे छोटा नंबर लास्ट में आया, दिखाई देते ना, यस। तो बिगर टू स्मॉलर जाएंगे, तो ये वाले जो दोनों है वो आप खुद कर लेना, ओके। नेक्स्ट है काउंट, यानी कि आपको नॉट्स दी है वो काउंट करने की। तो हंड्रेड्स के कितने नॉट्स है, 1 2 1 2 नॉट है 200 है। टेंस की कितनी है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 टेंस है, तो 240 हुए कि नहीं। हंड्रेड्स कितनी बार आए, 2 बार, तो 1 2, तो 200s। एंड टेंस कितनी बार आए, 4 times, तो 1 2 3 4, तो 4 times है, तो 4 times मीन्स कितने 40, कितने हुए 240 रुपीस। नेक्स्ट है यहाँ पे हंड्रेड्स कितने हैं, 1 2 3, तो 300s। एंड टेंस कितने हैं, 1, तो 1। एंड वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वंस है, तो 319 मैचस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है कितने हैं हंड्रेड्स, 1 2, टेंस कितने हैं, 1, वंस कितने हैं, 2, तो 212 ब्लॉक्स। यही वो आपको खुद करने का है, तो ये 130, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स आएंगे, ओके। एक आप खुद काउंट करके लिख देना, ए नोट्स भी आप काउंट करके यहाँ पे रुपीस लिख देना, फिर मैस्ट्रिक्स है वो भी आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है कलर द नंबर्स गिवन इन द टेबल एज पर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जो टेबल दिया है इसमें नंबर्स दिए, इसमें जो आगे इंस्ट्रक्शन दी है, रेड कलर किसमें करना है, ग्रीन येलो एंड ब्लू कौन से बॉक्स में आपको करना है, तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं तो आपको पढ़ना है और ये बॉक्स में कलर फिल करना है। 699 है, तो 699, 977, 107, 540, तो ये सारे ये बॉक्स में जो है वो सारे नंबर्स में रेड कलर करने का है। फिर 370, 591, 997, ये पूरे जो नंबर्स है इसमें कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। फिर 60, 445, ये सब है येलो ब्लू। 951, 195, ये सब ब्लू कलर आएगा इसमें। तो 699 देखते हैं, 699 कहाँ पे, ए रहा, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। फिर 370 कहाँ पे है, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे, ओके। तो 370 ए रहा है, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। तो वैसे ही आप नंबर पढ़ पढ़ के कलर्स फिल कर लेना। तो होमवर्क में आपको वर्कबुक में जो बाकी है वो कंप्लीट कर देना है, ओके। सो थैंक यू।